हेलो एवरीवन, आई एम अमित सिंह, मैथ्स फैकल्टी, एंड दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ पॉलीनोमियल्स चैप्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था कि जैसे x प्लस टू एक पॉलीनोमियल है, तो उसका जीरो कितना होगा, x इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि माइनस टू एक्स की जगह पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जिसे हम उस पॉलीनोमियल में पुट कर दे तो उस पॉलीनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइनली जीरो आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ठीक है, जीरो हमने समझा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आखिर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, सपोज करिए हमारे पास एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है, तो 2x प्लस 3 का जीरो क्या होगा, माइनस 3 अपॉन 2, क्योंकि x के जगह माइनस 3 अपॉन 2 पुट कर दें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इस पॉलीनोमियल का वैल्यू आ जाएगा जीरो, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज का, जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब हम इस पॉलीनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वाई इक्वल टू इतना ले लिया और हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जो इसका जीरो आया है उसी उसी पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब कि इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज का मतलब होता है कि एक्स का जो वैल्यू आएगा एक्स एक्सिस को वो उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करते हुए निकल जाएगा, ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। अब सपोज यहाँ पे हमारा जीरो कितना आया है, यहाँ पे हमारा जीरो आया माइनस 3/2, तो इसका ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को माइनस 3/2 पे इंटरसेक्ट करके निकल जाएगा। अब सपोज करिए कि हमारा जीरो आता, सपोज करिए हमारा पॉलीनोमियल है एक्स प्लस 2, तो इसका जीरो होगा माइनस 2, तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को माइनस 2 से कट करके ऐसे निकल जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज आप लोगों को समझ में आया होगा कि मतलब कि एक्स का वो वैल्यू जिस पॉइंट पे उस पॉलीनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच करेगा नहीं तो कट करके इंटरसेक्ट करके फिर निकल जाएगा, ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। अच्छा, लीनियर पॉलीनोमियल यदि है तो उसका जीरो कितना आएगा, वन आएगा। यदि हमारे पास लीनियर पॉलीनोमियल है जैसे 2x प्लस 3 या x प्लस 2, तो लीनियर पॉलीनोमियल है, डिग्री कितना है, वन, तो उसका जीरो कितना आ सकता है, वन। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अच्छा, अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मैक्सिमम कितना जीरो आ सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मैक्सिमम दो जीरो आ सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मैक्सिमम कितना जीरो आ सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मैक्सिमम दो जीरोज आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो जीरो का मतलब आप समझ गए कि एक्स का वो वैल्यू जहां से पॉलीनोमियल ग्राफ एक्स एक्सिस को या आइदर टच करके या फिर इंटरसेक्ट करके निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा, जितना ड्रॉ किया हुआ है क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा ही आ सकता है। ओके, अब देखिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इस शेप को हम लोग पैराबोला कहते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी इसका फेस ओपन अपवर्ड है और कभी इसका फेस ओपन डाउनवर्ड है। तो यदि ए का वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके पास गिवन है, इफ ए इज पॉजिटिव, मतलब ए यदि ग्रेटर देन जीरो है तो ये अपवर्ड खुलेगा और ए लेस देन जीरो है तो ये डाउनवर्ड खुलेगा। ये हो गया। इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने के लिए हमें वर्टेक्स पता होना चाहिए, ठीक है, हमें इसके जीरोस पता होना चाहिए, मतलब कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा या टच करेगा, मतलब कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा या नहीं करेगा टच, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो हम निकालते हैं, तो ये पॉइंट हम और ये पॉइंट निकाल लेते हैं, वाई एक्सिस को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये वर्टेक्स, ये दोनों पॉइंट,
कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है या नहीं टच कर रहा है, और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और साथ में तीन चार पॉइंट निकाल के हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, मैंने एक टर्म यूज किया वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? तो इस ग्राफ में जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट हो गया, जैसे ये अपवर्ड है ना, तो सबसे जो लोअर मोस्ट पॉइंट हो गया इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इसका वर्टेक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेट्स होता है -b/2a, -d/4a, जहां d क्या होता है? d इक्वल टू होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कि b² - 4ac। समझ में आ रहा है? तो ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो पैराबोला अपवर्ड जा रहा है, तो उसका जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। और उसका कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b/2a and -d/4a, जहां d क्या है? b² - 4ac। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल कैसा दिया हुआ है, उसमें a, b और c का वैल्यू क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा। a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, और a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। तो ये सब है, a ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो या तो हमारा ये क्या होगा, पैराबोला x एक्सिस को टू पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, या तो हमारा पैराबोला क्या करेगा, x एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल जाएगा, ठीक है, और फिर नहीं तो हमारा पैराबोला क्या करेगा, x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज की। यहाँ पे देखिए, x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है? दो जगह। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? टू। x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है? दो जगह। तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? टू। x एक्सिस को, अब ये चारों ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल जा रहे हैं, तो इनके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? वन। यहाँ पे x एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट किया है? किया ही नहीं है, टच भी नहीं किया, इंटरसेक्ट भी नहीं किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? जीरोज, जीरो। तो कोई भी ग्राफ हो, आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, तो आप यही काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज सब बता दिया मैंने, आप वीडियो को एक बार रिपीट कर करके देख लें, ठीक है, ताकि ये सब चीज़ें आपको पूरा क्लियर हो जाए। अब कोई भी ग्राफ हो, मतलब कि जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अभी हम उसके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कोई भी ग्राफ है, एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच या इंटरसेक्ट करके निकल रहा है, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, और इसके बारे में मैंने बता दिया। इसके बारे में और भी डिटेल में हमें जानना है, जैसे कि साइन ऑफ ए बी एंड सी, हम ग्राफ को देख के साइन ऑफ ए बी एंड सी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ हमें सीखना है, लेकिन थोड़ी देर बाद। ओके, तो अब है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें नंबर ऑफ जीरोस देखना है कि कितना कितना आ सकता है, ठीक है। जैसे हमने लीनियर में देखा, लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा वन जीरो आएगा। क्वाड्रेटिक में देखा, क्वाड्रेटिक में दो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्यूबिक का देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितना है? थ्री है। तो डिग्री थ्री वाले पॉलिनोमियल का कितना जीरो जा सकता है? मैक्सिमम तो थ्री आएगा और मिनिमम वन आएगा, जीरो नहीं होगा कभी। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम जीरो कितना आ सकता है? थ्री, कभी टू, या फिर या तो थ्री आएगा या फिर टू आएगा, नहीं तो वन आएगा। तो देखते हैं, ठीक है, जीरो नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो इसका टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? कितने जगह एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया इसने? वन टू थ्री। तो इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? थ्री। यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस को यहाँ पे इसने टच किया है ऑलमोस्ट, मतलब ओरिजिन पे, और एक जगह इंटरसेक्ट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज इससे कितने हो गए? टू। यहाँ पर इसने सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट किया ओरिजिन पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? वन। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ ऐसा, ऐसा या ऐसा, या फिर ऐसा या वैसा, इस तरह का ग्राफ आ सकता है, ठीक है।
अच्छा, और क्या होता है? मैंने बता ही दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के, 3। और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा क्यूबिक पॉलीनोमियल का 1। जैसे क्वाड्रेटिक में हमने देखा ना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना आ रहा था? 0। क्वाड्रेटिक का 2 भी 0 आ सकता है, 1 भी 0 आ सकता है, और 0 भी 0 आ सकता है, लेकिन क्यूबिक में 3, 2, 1, और उससे नीचे नहीं जाएगा। 3 से ऊपर तो आ जाएगा नहीं, और 1 से नीचे आएगा नहीं। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन सारे फिगर्स में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं, तो हम देख लेंगे कि एक्स एक्सिस को किसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया ग्राफ में, ग्राफ ने किस फिगर में, किसी भी फिगर में एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितनी बार इंटरसेक्ट किया हम चेक कर लेंगे, और उससे हम फाइंड कर लेंगे कि कितने इसके नंबर ऑफ जीरोज है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 0। तो आंसर है 0। यहाँ पर कितने जगह इंटरसेक्ट किया? 1। तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए 1। यहाँ पे 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए 3। यहाँ पे 1, 2, तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए 2। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, चार जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए 4। यहाँ पे 1, 2, 3, एक मिनट, 1, 2, 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3। टच भी करेगा उसे भी काउंट करना है, इंटरसेक्ट करेगा उसे भी काउंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशियंट्स एंड जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल। अभी हमने जीरो के बारे में पढ़ा, कोफिशियंट्स किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ए बी और सी क्या है? कोफिशियंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद सपोज क्यूबिक पॉलीनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये जो ए बी सी और डी है ना, इसे हम कोफिशियंट्स कहते हैं। और जो जीरोज आता है उसे हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा इससे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा चलता जाता है। तो सबसे पहले हम जीरोज की बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोज आ सकते हैं? अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोफिशियंट्स क्या क्या है? ए बी एंड सी। लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक का जीरोज हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, तो पहला रिलेशनशिप क्या है? अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ सम ऑफ जीरोज इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज दिस, तो हम कैसे फॉर्म करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में बोलेगा कि आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करिए, क्या था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या क्या क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो उसका उसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है? यदि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, वेयर के इज ए रियल नंबर नॉट इक्वल टू जीरो। तो के कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो हम कितने सारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। के का वैल्यू चेंज करते जाओ, कहीं 1 लो, कभी 2 लो, कभी 1.5, कभी कुछ, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स आप फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें जीरोज कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 3। तो हम लेंगे लेट इट्स जीरोज बी अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, ये है क्या? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। समझ में आ रहा है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। और लास्ट में है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, वो कितना होता है? माइनस डी बाई ए। तो ये रिलेशनशिप तो आपको याद रखना होगा।
अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म किया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल में यदि सम ऑफ जीरोज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तीनों दे देगा तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो वो कैसे फॉर्म करते हैं, k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या क्यूबिक पॉलीनोमियल फॉर्म करने के लिए मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट दे देगा तो बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करिए, तो हम क्या करेंगे सम ऑफ रूट सॉरी दोनों जीरोज दे देगा और बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करिए, तो हम सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। क्यूबिक में भी यदि तीनों जीरोज दे देगा तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सब निकाल लेंगे, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो ये आप यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका हम लोग क्वेश्चन अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप 360p या 720p पे वीडियो देखा करें ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखे, और वीडियो को एंड तक देखें और नॉलेज गेन करते रहें, कोई भी पार्ट मिस मत करें। नहीं तो फिर कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बता दी और आपने उन्हें देखा नहीं, तो ऐसा ना करें। मोबाइल पे देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन में देखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए भी और आपको इंटरेस्ट भी जगेगा, ठीक है। ओके।